नमस्कार। आज मैं आलू दम बिरयानी बनाऊंगी। तो बनाने से पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पे 1 गिलास चावल ले ली हूँ, 4 आलू है, 2 टमाटर काट के ली हूँ, थोड़ा सा दही है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बिरयानी पाउडर बिरयानी मसाला पाउडर है, आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा दालचीनी है, यहाँ पे 2 प्याज। तो चलिए बनाने चलते हैं। यहाँ पे मैं कुकर रख दी थी गरम होने के लिए और इसमें 5 से 6 चम्मच तेल डाल दी हूँ और गरम हो गया है। अब इसमें ये आलू डाल दे रही हूँ, इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा आलू को गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। ये देखिए आलू आधा पक चुका है। अब इसमें से निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में दालचीनी और जीरा डाल दे रही हूँ, इसी के साथ साथ प्याज, इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। जब तक प्याज हो रहा है तब तक मैं चावल को धो के रख दे रही हूँ। ये देखिए प्याज हो गया है। अब इसी के साथ मैं ये लहसुन पेस्ट डाल दे रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी 1 मिनट पका लेते हैं। ये देखिए लहसुन पेस्ट का भी हो गया है, भून चुका है। अब इसमें मैं टमाटर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर डाल के अब इसको टमाटर गलने तक इसे पका लेते हैं। टमाटर गल चुका है। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए गैस बंद कर दे रही हूँ, तब तक ये ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो गया है। अब इसके साथ में ये 2 हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। 1 हरी मिर्च है, 2 भाग में इसको करती हूँ। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और ये दही फेंट के इसमें डाल देना है। अब गैस चालू कर दी और इसको मिला लेते हैं और इसमें ये आलू इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसके साथ मैं ये बिरयानी मसाला डाल दे रही हूँ, फिर मिला लेते हैं। अब ये चावल डाल देना है। अब इसमें 1 गिलास चावल था तो इसमें 1.5 गिलास पानी डालूंगी। ये 1 गिलास हो गया, ये 1.5 गिलास हो गया। अब इसमें नमक डाल देना है। इसको 2 सीटी आने तक इसको ढक के तेज आंच में पकाना है। कुकर में 2 सीटी आ चुका है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये ठंडा हो गया है, अब इसको खोल देते हैं। ये देखिए पक गया है। अब इसको साइड से इसको हटा लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं।